आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा स्टार डेल्टा स्टार्टर में यूज होने वाले तीन कॉन्टेक्टर, मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है। सिलेक्शन का पूरा प्रोसीड्यूर जो है आपको समझ में आ जाएगा पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले बात करते हैं मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है। हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर में यूज होने वाले मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर जो है स्मॉल होता है, यानी कि बहुत छोटा होता है अगर हम लोग कंपेयर करें हमारे ड्यूल स्टार्टर कॉन्टेक्टर से। अब गाइस इसका रीजन बस इतना है कि हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर पे जो मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर यूज होता है, ये दोनों बस हमारे मोटर्स के जो वाइंडिंग्स में जो करंट है उस करंट को जो है कंट्रोल करती है। तो गाइस जिस भी मोटर के लिए हम लोग ड्यूल स्टार्टर लगाए हैं तो उस मोटर के वाइंडिंग में जो है हमारे मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर से जो है 1/√3 टाइम्स हमारा करंट जो है पास होता है। अब 1/√3 को अगर सॉल्व किया जाए तो 57.57 समथिंग कुछ आएगा, यानी कि 58% जो है आप इसे मान सकते हो। जिस मोटर के लिए ये हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर लग रहा है उस मोटर के फुल लोड करंट का 58% जितना करंट होता है उस रेटेड एम्स का जो है आपको मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन करना पड़ेगा। जब हमारा मोटर रन कर रही होती है तो उस टाइम हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर जो है होल्ड हुआ रहता है और इस दोनों से जो है हमारा सप्लाई हमारे मोटर पे जाता है। और हमारे मोटर पे जो है 6 टर्मिनल्स होते हैं, तो पहले 3 टर्मिनल पे जो सप्लाई है वो हमारे मेन कॉन्टेक्टर से आती है और दूसरे टर्मिनल पे जो 3 सप्लाई है वो हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर से आती है। मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर के लिए जो है हम लोग 1/√3 क्यों कर रहे हैं। तो गाइस अगर फीडर के तरफ से देखा जाए तो हमारे जो मोटर के 6 टर्मिनल्स निकलते हैं तो उसमें से जब हम लोग करंट लेते हैं तो वो करंट हमारा कैसे लेते हैं। सपोज मान लीजिए आर फेज का आप जो करंट लिए वो कौन सा करंट है, वो हमारा जो है एक सिंगल फेज का करंट है। तो गाइस हमारा ये जो है सिंगल फेज का सिर्फ एक करंट होता है। हमारा ये जो कॉन्टेक्टर यूज होता है मेन के लिए और डेल्टा के लिए, इसमें से भी जो है कहीं ना कहीं सिंगल फेज का करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट होता है। जिस मोटर के लिए हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज कर रहे हैं उस मोटर के फुल लोड करंट से अगर हम लोग √3 टाइम्स डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो करंट आएगा वो हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर के मेन और डेल्टा कॉन्टेक्टर के लिए सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर रहता है। आई होप गाइस कि मैं आपको समझा सका कि आखिर मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है। अब गाइस बात करते हैं हमारे स्टार कॉन्टेक्टर के बारे में किस तरह से ये सिलेक्शन किया जाता है। गाइस सबसे पहले मैं आपको स्टार कॉन्टेक्टर के कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ। हमारा मोटर जब स्टार्ट होता है स्टार्टिंग के टाइम में वो जो है कुछ टाइम जो है हमारा स्टार कॉन्टेक्टर से चलता है। अब गाइस वो जो है 30 सेकेंड 40 सेकेंड जिस तरह से आप एडजस्ट किए होंगे उस हिसाब से वो चलता होगा। ये स्टार कॉन्टेक्टर से जो हम लोग सप्लाई दे रहे होते हैं तो हमारे मोटर के जो फेज है उस फेज में जो है सिर्फ 220 सप्लाई जाती है। जब हमारा मोटर मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर से चलती है तो हमारे मोटर्स के जो वाइंडिंग होते हैं उस वाइंडिंग में हम लोग जो है दो फेज दे रहे होते हैं। पहला फेज जो है वो निकल के आता है हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर से और दूसरा फेज जो है वो हमारा निकल के आता है मेन कॉन्टेक्टर से। उस टाइम यानी कि मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर जब होल्ड होता है तो उस टाइम 415 वोल्ट का जो है सप्लाई दिया जाता है। लेकिन गाइस जब स्टार कॉन्टेक्टर से सप्लाई हमारे मोटर्स के वाइंडिंग में जाती है तो उस टाइम जो है हमारे मोटर्स के वाइंडिंग में सिर्फ जो है 220 वोल्ट चलती है। यानी कि अगर वोल्टेज अगर कम हो गया तो करंट जो है ऑब्वियसली कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये वोल्टेज है ये कम हो गया है। तो गाइस ये जो स्टार कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन किया जाता है वो हमारे फुल लोड करंट के 33% जो है लिया जाता है। तो गाइस आपको मैंने बताया कि अगर मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन करना है तो वो मोटर्स का जो फुल लोड करंट है उस फुल लोड करंट से अगर आप √3 का डिवाइड देंगे तो आपको डेल्टा और मेन कॉन्टेक्टर के लिए एम्स मिल जाएगा। अगर आपको स्टार कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन करना है तो हमारे मोटर्स का जो फुल लोड करंट है उस फुल लोड करंट का 33% आप निकाल लीजिए, उसके बाद आपके पास जो एम्स आता है उसके हिसाब से जो है आपको स्टार कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन करना है। गाइस मैंने आपको जो है दो चीज बताया, एक तो आखिर सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है और दूसरा इसके कॉन्सेप्ट क्या है। तो गाइस अगर आपको मेरे बताने का टेक्निक पसंद आ रहा है और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके स्टार डेल्टा स्टार्टर का आखिर क्या फंडा है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।